हेलो चिल्ड्रन वेलकम बैक अगेन वी आर अगेन बैक विथ एक्सरसाइज 2.5 क्लास 10 मैक्स पोलिनोम क्वेश्चन नंबर फाइव एंड टुडे द क्वेश्चन इज फैक्टराइज वी हैव टू फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन इज गिवन टू अस एंड वी नीड टू फैक्टराइज इट सो कैन यू आइडेंटिफाई विच आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल इन इट कैन यू सी दिस क्या देख के पता चल रहा है कौन से आइडेंटिटी लगा सकते हैं अब देखिए ये स्क्वायर है इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं है, इसको कर सकते हैं इसको कर सकते हैं बाकी अभी मत देखिए अब देखिए बताइए तीन है एक्स स्क्वायर एक वाई स्क्वायर एक जेड स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कौन सी आइडेंटि लग सकती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स लग रही है वोली तो करें अरेंज तो सबसे पहले फैक्टराइज में आपको यही करना पड़ता है पहले आपको देखना पड़ता है कि कौन सी आइडेंटिटी एप्लीकेबल है इसमें तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा आपको कैसे मालूम पड़ेगा ये कौन सी आइडेंट लगानी है तो प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आता जाएगा तो आप देखिए मैं इसको कर रहा हूं हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर सबसे पहले आप ये फोर का होल स्क्वायर को आप पूरे का स्क्वायर में बनाइए तो देखिये मैं बनाता हूं टू का होल स्क्वायर ये देखिए फोर को क्या मैंने के स्क्वायर नाइन वाई को क्या लिख देंगे थ्री वाई का होल स्क्वायर लिख देते हैं इसको चलिए इसको क्या लिख सकते हैं का फोर जेड का होल स्क्वायर ठीक है अब आपको आगे देखना नहीं है अभी माइनस माइनस भी मत देखिएगा आप बिल्कुल भी प्रॉब्लम चिंता मत करिए इसकी कि हमको कैसे माइनस लाएंगे हमारे आइडेंटिटी हमको मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स अब माइनस को भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम माइनस से डील करेंगे ठीक है ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अब आइडेंटिटी आपको मालूम है ना इसके याद की क्या होती है आइडेंटिटी टू एक्स वाई होती है अभी आप प्लस ही लिखिए टू एक्स वाई एक्स कितना है अब देखिए एक्स कितना है अपना टू एक्स है और y कितना हमारा थ्री वाई है ठीक है ये मैंने लिख दिया अब क्या है हमारा आइडेंटिटी में टू वाई जेड होती है y कितना है थ्री वाई और z कितना है फोर जेड अभी मैंने उसको कुछ भी नहीं देख रहा हूं ये अली मैंने टर्म्स देखी नहीं क्या है अभी देखूंगा देखना अभी अब बताऊंगा आपको किस तरह से मैं इसको माइनस वाला भी लेके आ जाऊंगा और ये सारे मल्टीप्लाई वाले पार्ट भी अपने आप आ जाएंगे अब लास्ट क्या होती है टू जेड एक्स होती है जेड कितना है फोर जेड और x कितना है आपका टू एक्स अभी हमने कुछ भी नहीं किया सिर्फ रीअरेंज करिए ठीक है ये हो गया हमारा पार्ट अब आप देखिए हमें क्या क्या लाना है देखो ये आ रहा है क्या पहले देखो प्लस आ रहा है क्या ये तो आ ही रहे थे क्योंकि हमने अरेज करे खुद ही अब देखिये टू टू आ रहा है ठीक है अब आप ये देखिए टू थ्री सिक्स सिक्स फोर जेड ट्वेंटी फोर वाई जेड ट्वेंटी फोर वाई जेट आ रहा है मगर प्लस आ रहा है माइनस नहीं आ रहा है ठीक है माइनस की भी बताता हूँ लगाएंगे ठीक अब आप देखिए लास्ट का टर्म क्या है फोर टूट एटीन सिक्सटीन एक्स आ रहा है सिर्फ माइनस नहीं आ रहा है माइनस किस में लगाए अब आप पहले हम आइडेंटिटी में लिख रहा हूँ एक बार कि हमारी आइडेंटिटी होती क्या है फिर मैं माइनस प्लस लगाना सिखाता हूं मैं देखो अपनी आइडेंटिटी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स ये हमारी आइडेंटिटी अगर ऐसा होता है तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अगर ये ऐसा होता है तो हम इसकी जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं ये हम फैक्टराइज कर रहे चल रहे हैं मैंने बताया था आपको कि यू हैव टू लर्न द आइडेंटिटीज इन बोथ द वेस आपको दोनों तरीके से आपको आइडेंटिटी याद करनी है तो हमको ये दे रखा है हमको फैक्टराइज करना है तो हमें राइट से लेफ्ट से राइट right की तरफ चलना है और राइट right एक्सपेंड करना है तो राइट right से लेफ्ट की तरफ चलना है तो आप ही देख लीजिएगा कि हमको कैसे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है ठीक है अब हम माइनस की बात करते हैं अब ये देखिए आप अब बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि हम माइनस को कैसे अप्लाई करेंगे माइनस कहाँ लगाएंगे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है माइनस है कैसे किस तरह से हम लगाना है तो उसके लिए आपको यहाँ बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा देखिए अब यह देखिए टू और थ्री इन दोनों में क्या है आपका प्लस आ रहा है ठीक है टू एक्स एक्स वाई प्लस का आ रहा है वाई जेड माइनस का आ रहा है क्या क्या माइनस का आ रहा है मैं यहां लिख रहा हूं साइड में तो, तो वाई जेड में माइनस आ रहा है और एक जेड एक्स में आ रहा है और यहां भी देख लीजिए एक तो है वाई जेड में माइनस आ रहा है और एक जेड एक्स में माइनस आ रहा है अब आप दो काम कर सकते हैं देखिएगा ध्यान से सुनिएगा इस बात को बहुत ज्यादा पॉइंट करिएगा इस बात को जो मैं बोल रहा हूं अब इन दोनों में से कॉमन क्या है वाई जेड और जेड एक्स में कॉमन क्या है क्या कॉमन है जेड कॉमन है वाई जेड और जेड में क्या कॉमन है जेड कॉमन है या तो आप सारे जेड जहां जहां भी जेड का टर्म है वहां माइनस लगा दीजिए या एक्स वाई दोनों में लगा दीजिए दो ऑप्शन है आपके पास या तो आप जेड में लगा दो माइनस या एक्स वाई में लगा दो या फिर किस में लगाना है आपको एक्स एंड वाई दोनों में लगाना पड़ेगा ये आपकी चॉइस है तो आंसर बिल्कुल यूनिक आएगा अभी मैं जेड में लगा रहा हूं एक्स और वाई में लगा के सिर्फ जेड में लगा रहा हूं तो जहां जहां जेड है वहां मैं माइनस कर देता हूं तो ये देखिए ये मेरा जेड है कहां पर यहां पे तो यहां लगा दिया मैंने माइनस देखिए और एक जेड यहां पे एक जेड यहां लगा दिया ठीक है और एक जेड यहां है एक जेड यहां लगा दिया अगर मैंने तीन जगह माइनस लगाया देखिए जरा एक फर्स्ट दिस वन और एक लगाया इसमें और एक लगाया इसमें अब देखिए आप कि ये हमारा आंसर आ रहा नहीं आ रहा माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है फोर का स्क्वायर सिक्सटीन सिक्सटीन जेड स्क्वायर हो गया अब देखिए टू थ्री जे सिक्स सिक्स फोर जेड ट्वेंटी फोर माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस ट्वेंटी फोर वाई इंटू जेड वाई जेड माइनस ट्वेंटी फोर वाई जेड आ रहा है ठीक है अब लास्ट टर्म भी देख लीजिए प्लस इंटू माइनस माइनस टू फोर एक्स जेड एक्स जेड आ रहा है मीन्स आप या तो देखो ये, ये होता है मेथड करने का आपको जहां जहां माइथ है उनमें देखिए जेड है जेड तो में लगा दो या एक्स वाई दोनों में लगा दो जहां जहां एक्स वाई है सब में लगाना पड़ेगा तो अब भी यही आंसर आएगा बच्चों बिल्कुल सेम ये आंसर आने वाला जो हमको क्वेश्चन हम दे रखा है तो हमारा हो गया ये अपन ने सॉल्व कर लिया इस प्रॉब्लम को अब हम लिख सकते हैं तो व्हाट वी विल राइट हम क्या लिखेंगे इसकी जगह देयरफॉर फोर हियर एक्स इज अब एक्स की वैल्यू क्या हुई हमारी टू एक्स वाई की वैल्यू कितनी हुई हमारी थ्री वाई और जेड कितना है हमारा माइनस फोर जेड अब इसके अंदर में इस आइडेंटिटी में इसके अंदर में वैल्यू पुट अप करने वाला हूं और हमारा आंसर आ जाएगा अब देखिए की जगह कितना रख रहे हैं टू एक्स ठीक है इसको यहां लॉन्ग ब्रैकेट बनाते हैं की जगह टू एक्स वाई की जगह क्या रख रहे हैं थ्री वाई और जेड की जगह क्या रख रहे हैं माइनस फोर जेड देखिए इसमें वैल्यू रखी मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर में इसको वैल्यू और इक्वल स्क्वायर चल ही रहा है बस हो गया अब आप सिंपल ऐसे लिख दीजिए लास्ट स्टेप टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड का होल स्क्वायर तो ये हो गया अब स्क्वायर को दो बार लिखना है तो दो बार लिख दीजिए लास्ट स्टेप टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड और टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन तो थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है प्रॉब्लम्स का माइनस का और आप इजीली कर सकते अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट नाउ सी द सेकेंड पार्ट अब ये पार्ट को देखिए आप ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट चिल्ड्रन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत ध्यान सुनेगा इस तरह क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट भी होते हैं और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होते हैं सी टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एट जेड स्क्वायर टू रूट टू फोर रूट टू एट रूट माइनस भी है रूट भी है दोनों आ गए सबसे पहले काम करना है आपको कि स्क्वायर बनाना स्क्वायर कंप्लीट करिए उसके बाद आगे बताना तो आप देखिए टू किसी का स्क्वायर नहीं फोर होता है तो टू एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते थे टू किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो टू किसका स्क्वायर है रूट टू का हम रूट लेंगे फिर हम ठीक है तो टू को हमने क्या लिया रूट टू एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे वाई स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है अब एट में देखिए अब एट तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो एट के लिए क्या करेंगे अपन वापस से रूट एट लिख लेंगे भाई रूट एट का होल स्क् रूट एट को लिखेंगे तो रूट एट को क्या लिख सकते हैं को क्या सकते टू एक्सर का हम लिख सकते हैं रूट टू एक्स का होल स्क्वायर ठीक है ये तो हमने इसको लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास टू एक्स स्क्वायर को रूट में एक्सप्रेस कर सकते हैं टू प्राइम नंबर मगर एट प्राइम नंबर नहीं है अगर एट प्राइम नंबर नहीं तो कैसे लिखेंगे अब ये बात सुनो सुनवाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एट जेड का स्क्वायर एट का मतलब मैंने लिखना तो हमको रूट एट ही लिखना है हमको तो स्क्वायर चाहिए अब आप ये देखिए कि एट को पहले आप ओपन कर लीजिए ताकि अपना सिंपलीफाइड फॉर्म हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहता है अब एट के फैक्टर्स ले लीजिए अब एट के फैक्टर्स आपको मालूम है तो एट के फैक्टर्स क्या होते हैं बोलो टू टू टू, टू. मीन्स रूट से बाहर आने के लिए यहाँ पे एक बार लिख रहा हूँ यहाँ नहीं, यहाँ लिख देता हूँ रूट एट का मतलब क्या हुआ टू इंटू टू इंटू टू और जेड चल ही रहा है मैंने कुछ भी नहीं किया बच्चों देखो मैंने एट के फैक्टर्स लिए हैं बाकी सब चल रहा है रूट एट ये रूट एट हो गया और जेड ये जेड चल रहा है स्क्वायर चल रहा है अब आप बाहर निकाल सकते हैं क्या बाहर निकाल सकते हैं तो टू बाहर निकाल सकते हैं तो टू बाहर निकाल लेते कितना बचा टू रूट टू बचा क्योंकि स्क्वायर रूट में से जो पेयर कंप्लीट है वो बाहर आ जाता है तो टू रूट टू जेड का होल स्क्वायर तो देखिए हम अब रूट एट को हम ये लिखेंगे तो बच्चे तो स्क्वायर जम गया देखिए ए स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर है ही और जेड स्क्वायर भी हमारा जम गया अब हम आगे फर्दर कर सकते हैं अब देखिए अपन करते हैं इसको आगे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे रूट टू को बताइए रूट टू को क्या लिख देंगे हम टू एक्स स्क्वायर को क्या लिख देंगे रूट टू एक्स का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर को एज इट इज एट जेड स्क्वायर को क्या लिखेंगे अभी बताया टू रूट टू जेड का होल स्क्वायर ये हो गया अब आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है मैंने बताया है कि आगे, आगे आपको क्या करना है इसी से करना है आपको आइडेंट आपको आइडेंटिटी मालूम है तो आप बहुत इजीली इसके आगे खुद कर सकते हैं तो क्या फॉर्मुला है क्या आइडेंटिटी है बताइए टू ए बी टू ए बी या टू एक्स वाई कुछ भी लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी अगर आप एक्स वाई में याद कर रखा है रूट टू एक्स और वाई कितना है वाई की जगह वाई है फिर क्या है नेक्स्ट टू वाई जेड वाई कितना है वाई है और जेड कितना है टू रूट टू जेड ये हो गया टू वाई जेड अब क्या लास्ट टू जेड एक्स जेड कितना है टू रूट टू जेड और एक्स कितना है रूट टू एक्स तो ये हो गया हमारा जम गया हमारे जमा दिया अब आप उससे कंपेयर कर लीजिए देखो आप ये तो हमारे तीन टर्म्स आएंगे हमारे अब आप माइनस की देखना है हमको माइनस की जो प्रॉब्लम है वो हम अब सॉल्व करते हैं देखो माइनस माइनस कहां इज माइनस माइनस कहाँ का चल रहा है बताइए जरा माइनस कहाँ का है एक तो है एक्स तो वाई में है एक्स वाई माइनस है वाई जेड में नहीं है जेड एक्स में है एक्स वाई और एक्स जेड में है कहाँ का माइनस है तो लिख देते हैं थोड़ा समझाने के लिए माइनस कहाँ का है एक्स वाई में है और एक्स जेड में है तो मैंने आपको बताया था या तो आप कॉमन वाले में लिख दीजिए या दोनों में लिख दीजिए तो इस बार दोनों में लिख दे पिछली बार कॉमन में लिखे थे तो इस बार वाई और जेड में दे लिख देते हैं में भी लगा देते हैं और जेड में भी माइनस लगा देते हैं ठीक है तो लगा दें वाई में भी लगा देते हैं तो ये जेड में भी लगा देते हैं जहां जहां वाई जेड है वहां लगाना है तो वाई में लगा देते हैं फिर वाई में लगाना है और जेड में लगाना है वाई में लगाना है और जेड में तो ये जेड में लगा दिया यहाँ एक्स है ये जेड हो गया तो जेड में लगा दिया तो हमने शब्द लगा दिया जहां जहाँ अब आप देखिए कि हमारे को मल्टीप्लाई करने पे वो रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है ये तीनों तो आएंगे कंफर्म है अब यहां देख लेते हैं कितना है प्लस इंटू माइनस 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 टू रूट टू एक्स वाई अब देखिए माइनस टू रूट टू एक्स वाई है कि नहीं है माइनस टू रूट टू एक्स वाई है अब नेक्स्ट टर्म क्या है अपना अब देखो नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा ये देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस टू टू झा फोर फोर रूट टू वाई जेड प्लस फोर रूट टू वाई जेड अब यहां देखो ये देखिए फोर रूट टू वाई जेड यहां भी आ रहा है अभी लास्ट वाला भी देख लेते हैं ला आ रहा है नहीं आ रहा है लास्ट वाला टर्म देखिए अपना प्लस इंटू माइनस माइनस टू टू झा फोर रूट टू इंटू रूट टू टू रूट टू इंटू रूट टू 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 झा फोर फोर टू झा एट एक्स जेड एंड प्लस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस 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 एट एक्स जेड आ रहा है ऊपर देखिए माइनस एट एक्स जेड यहां भी आ रहा है मीन्स हमारा हमने पूरा अरेंज कर लिया अब हमने अरेंज कर लिया तो हमें बस लिखना है कि हमने एक्स की जगह क्या लिखा वाई की जगह क्या है और जेड की जगह क्या है तो हियर व्हाट इज एक्स हियर एक्स इज रूट टू एक्स है वाई की वैल्यू है माइनस वाई और जेड की वैल्यू है माइनस टू रूट टू जेड हो गया हमारा तो इसकी आइडेंटिटी क्या है आइडेंटिटी क्या होती है इसकी जगह लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये हमारी आइडेंटिटी है अगर एक्सपेंशन फॉर्म है तो फैक्टराइज फॉर्म क्या ये वाला अब इसकी जगह वैल्यू पुट अप कर दीजिए एक्स की जगह कितना है रूट टू एक्स वाई की जगह कितना है माइनस वाई है और जेड की जगह कितना है माइनस टू रूट टू जेड है का होल स्क्वायर और स्क्वायर है तो उसको कितनी बार लिखना पड़ता है दो बार टू टाइम्स यू टू राइट तो दो बार लिख देते हैं तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर तो चिल्ड्रन इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर होगी अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको समझ में आएगा आप खुद करके सेल्फ सॉल्व करके देखो इसको तो आपको अपनी प्रॉब्लम समझ में आएगी फिर आप इस वीडियो को देखिएगा एक बार फिर देखिएगा एक बार देखिए पहले फिर एक बार आप पहले करिए उसके बाद देखिए आपको अपनी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी So practice makes a man perfect children. Okay. So understood uh, in today's session, question number five factories. So hope you like this video. So don't forget to share and subscribe. Subscribe this channel. Okay. Thank you so much for watching this video.